नमस्कार, मैं दिव्यांजलि मोइत्रा। अभी तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ही कहते रहे हैं कि लॉकडाउन से कोरोना को नहीं हराया जा सकता। अब कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने भी मान लिया है कि लॉकडाउन कोरोना का समाधान नहीं है। ये बयान खुद राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को दिया। कर्नाटक में कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं, इसके बावजूद कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा को लगता है कि लॉकडाउन लगाना जरूरी नहीं, यानी अब सूबे में कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। सीएम के इसी बयान के साथ ही बेंगलोर समेत बाकी जगहों पर लगे हफ्ते भर के लॉकडाउन में विस्तार की संभावनाएं भी खत्म हो गई। अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही सख्ती रहेगी। सीएम येदियुरप्पा ने कहा, शुरू में हम कोविड-19 पर नियंत्रण करने में सफल रहे, लेकिन हाल के दिनों में विशेषकर बेंगलुरु में कोविड के मामले बढ़े। मैं राज्य के लोगों से कहना चाहता हूं कि वायरस पर नियंत्रण के लिए लॉकडाउन कोई समाधान नहीं है। समाधान मास्क पहनना और एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाकर रखना है। सीएम येदियुरप्पा ने सोमवार को वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर हमें वायरस को हराना है तो हमें दिशा निर्देशों और संबंधित सावधानियों का पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए सभी प्रयास कर रही है। बेंगलुरु में कल से लॉकडाउन नहीं होगा और लोग अपनी दैनिक गतिविधियां शुरू कर सकते हैं। सरकार के लिए संसाधन जुटाना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। सीएम येदियुरप्पा ने लॉकडाउन खत्म करने का अहम फैसला ऐसे वक्त लिया जब कर्नाटक में कोरोना केस में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। मंगलवार तक कर्नाटक में 67,400 से भी ज्यादा कोरोना केसेस हो चुके थे, जबकि 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी। वहीं पूरे देश में कोरोना केसेस का आंकड़ा 11,55,000 को पार कर गया।